अभी हम लोग आगम प्रकरण में सातवां कारिका है। पहले छह मंत्र में जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अवस्था को दिखाया गया है। इस तीन अवस्था के माध्यम से चल करके इससे इसी में रहने वाला परंतु असंग जो तत्व है आत्मा स्वरूप उसको हम समझ सकते हैं। इसी में रहकर मतलब जागृत में बैठ करके हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति से विलक्षण एक असंग तत्व हूँ कि हम समझ सकते हैं। इसी भावना को लेकर के जो तीन मतलब अवस्था में जागृत अवस्था में स्थूल भोग करते हैं, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म भोग करते हैं और सुषुप्त अवस्था में आनंद भोग करते हैं और तीनों भोग का अलग अलग है। जब तक अनुसूत व्यक्ति एक है उपाधि तीनों का अलग है। जिस भोग को वस्तु को भोग कर रहा है उसमें भी वो अनुसूत है और जो भोग करने वाला है उसमें क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे वो नहीं है तो भोज्य भोक्ता दोनों रूप में प्रभिभक्त होने वाला एक सुप्त चेतन तत्व वास्तविक प्रभिभक्त हुआ नहीं परंतु उपाधि के साथ ऐसा अलग करके दिखो करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं यह कह करके आया कि तीन धाम में त्रिशु धाम में सुजन भोजन भोक्ता दश्चल प्रकृति तत्व एक स्थूल भोग करते हैं, एक सूक्ष्म भोग करते हैं, आनंद भोग करते हैं, एक का नाम है विश्व, एक नाम तैयस, एक का नाम प्राज्ञ। ये त्रिशु धाम, ये दान धाम हो गया जागृत स्वप्न सुषुप्ति। भोक्ता भोक्ता कौन हो गया? प्राज्ञ आपका विश्व तैयस और प्राज्ञ। तो यह इस प्रकार से त्रिशु धाम में सुजत भोजन वेद एक उभय व्यस्तु जो व्यक्ति इन दोनों को एक का मेरा ही ये अभिव्यक्ति है परंतु ये मुझ समय भिन्न इस प्रकार जानते सब जानो न लिप्य भोग करने वाला व्यक्ति भोग के लिए रहते हुए भी वो भोग के द्वारा ले पायमान नहीं होता। इतना ही नहीं उसके बाद क्या कहते यही जिसको प्राण शब्दों के द्वारा कहा गया है उस प्राण में सारा सृष्टि का बीज छुपा हुआ है। प्राण के द्वारा किसको समष्टि में यही अभिव्यक्त ईश्वर है व्यस्ट में प्राण में दिखाई पड़ता है प्राण से ही जागृत स्वप्न में अभिव्यक्ति होती है सारा सृष्टि को। इसलिए आप बोले थे प्रभव प्रश्न हुआ था कि जो वस्तु को उत्पन्न करता है वो विद्यमान वस्तु है अविद्यमान वस्तु है। तो हमारे वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के मत के अनुसार क्या होता है असत वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती और सत वस्तु का विनाश नहीं हो सकता। जगत की सत्ता में कभी व्यभिचार नहीं है, जगत के नाम रूप में व्यभिचार है। इसीलिए नाम रूप को मिथ्या बोलते हैं, सत्ता मिथ्या नहीं। इसको समझाते हुए यहाँ पे श्लोक कहते प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चय सर्वम जनयति प्राण तेजो अंश पुरुष पृथक है ना। प्राण से अलग अलग रूप में प्रतीति होते हैं उपाधि के कारण। इसके ऊपर पूरा हो गया था, छह नंबर के ऊपर पूरा हो गया था ना, तो सात नंबर चल रहा था। अब जो है ये जो सृष्टि जो किया हुआ है हुई कैसे, जो लोग मानते हैं सृष्टि माता रखने वाला और क्यों हुई, दो चीज है हम आपसे पूछते हैं। आप यहाँ कैसे आए, मैं आपसे पूछा आप यहाँ कैसे आए, तो इसका दो अर्थ होता है, पैदल चल के आए अथवा गाड़ी में आए। अब सेकेंड आप किस कारण से आए, होता कि नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे कह मतलब सृष्टि हुई कैसे और क्यों हुई, ये दोनों को उत्तर देते हुए मांडुको कारिका समझ में आएगा आपको। मांडुको कारिका अभी चार श्लोक बोलेंगे। तो वहाँ पे देखिए पहले जो है सृष्टि हुई कैसे, तब तो कोई लोग कहते हैं कि ये भगवान की विभूति। अच्छा बताओ एक व्यक्ति झोपड़ी में रहता है और थोड़ा और दो चार झोपड़ी बना लेता है दूसरी अवस्था में रहता है और एक व्यक्ति अच्छा खासा फ्लैट में एक ही फ्लैट है अच्छा फ्लैट है, किसको आप विभूति बोलोगे? जो अच्छा है। अब भगवान की सृष्टि में किसी से पूछ करके देखो भाई तू सुखी है कि दुखी है, वो क्या बोलेगा? ये दुखी संसार बनाना ये भगवान की विभूति हो सकता है? जरा मतलब विभूति नहीं, भगवान की विभूति नहीं हो सकता। ठीक है देवादि तो थोड़ा है परंतु जनसंख्या पशु आदि पशु पेड़ पौधा मनुष्य भोगने वाला जीव अधिक है। इतना कष्टदायक सृष्टि भगवान के लिए विभूति कैसे हो सकता है? ये विभूति नहीं हो सकता है। परंतु कुछ लोग भगवान की विभूति मत ईश्वर भक्ति दिखाने विभूति प्रसवम त्वन्ने मन्नंत सृष्टि चिंतक, जो लोग सृष्टि को लेकर के विचार करते हैं सृष्टि के बोलो, परंतु भगवान भाष्यकर बोला तत्व विचार करने वाले लोग सृष्टि में आदर नहीं देते। बोला ना तत्व विचार करने वाले व्यक्ति सृष्टि में आदर नहीं देते, क्योंकि श्रुति में कहीं भी सृष्टि की ज्ञान से आपको मुक्ति हो जाएगा ऐसा नहीं कहा, परंतु सृष्टिकर्ता की ज्ञान से आप मुक्त हो जाएंगे ऐसा श्रुति कहती है। इसलिए बोलते हैं कुछ लोग ऐसा बोलते हैं स्वप्न माया स्वरूप है। कोई कहता है जिस प्रकार स्वप्न मतलब प्रातिभाषिक वस्तु दिखते हैं, मतलब माया मतलब क्या दिखते तो है परंतु वो वस्तु वहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से
भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि कैसे बनाया गया, सृष्टि को कैसे बनाया गया, इस प्रकार से अलग अलग बलि अलग अलग मत को पोषण करते हैं कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कल कहाँ तक पढ़े थे देखिए इसको, ये जो पेज 42 ठीक है ना, पेज 42 में सेकंड लाइन, हाँ टीका सेकंड लाइन। तो यहाँ पे भगवान भाष्यकार क्या लिखा था यहाँ पे देखिए कि तथैव दृष्टांत तो क्या दिया था कि जैसे एक जादूगर, पहले आपको दिखाई देगा फिर जादूगर अपनी तरफ ध्यान ना जाए इसलिए वो जादू फैलाएगा, वो क्या करेगा एक रस्सी को फेंकेगा तो हमारा दृष्टि कहाँ टेंशन हो जाएगा, रस्सी कहाँ जाता है, जादूगर के ऊपर से तरफ दृष्टि हट जाएगा ठीक है ना। और फिर क्या करेगा वो जो है उसको पकड़ के ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के बाद पता है अपने वहाँ पे जाकर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके अलग अलग टुकड़ा हाथ पैर हो गया गिरा, फिर पीछे से पूरा साबुत जादूगर आ रहा है। ये जो है यहाँ पे ये इसी को भगवान भास्कर जादूगर उससे भिन्न होता है, जादूगर उससे भिन्न होता है परंतु हमको समझ में नहीं आता क्योंकि हमारा अटेंशन जो है दूसरी तरफ कर देता है। तथैव अयम माया बिना, ठीक इसी प्रकार ये माया बिना सूत्र प्रसार, माया भी का जैसा सूत्रों की फैलाना हुआ उसी प्रकार क्या होगा ये सुषुप्त स्वप्न आदि विकास है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सूत्र फैलाना जैसा हो, फिर उसमें चढ़ते हैं कौन जादूगर, तो उसमें चढ़ते हैं कौन प्राज्ञ तेजस और विश्व, इसलिए आप ये बोलते हैं कि विकास तद आरूढ़ माया भी समस्या, और माया भी जैसा वहाँ पे दिखाई दे रहा है मतलब हमको लगता है कि आत्मा ही उसमें चढ़ रहा है, आत्मा नहीं चढ़ रहा उपाधि में जो दिखाई देता है वो चढ़ रहा है, इसलिए हमें बोलते हैं तद आरूढ़ माया भी समस्या तस्थ, उसमें कौन ऊपर चढ़ गया प्राज्ञ तेजस आदि, फिर सूत्र तद आरूढ़ाभ्याम, ये सूत्र जो फैलाया कौन फैला, सूत्र क्या हो गया जागृत स्वप्न सुषुप्ति, आरूढ़ कौन हो गया विश्व प्राज्ञ तेजस, इन दोनों से सूत्र तद आरूढ़ाभ्याम, जो जादूगर ने सूत्र क्यों फैलाया था उससे थोड़ा अटेंशन हट जाए आपका है ना, और हमारे यहाँ उसी में अटेंशन देना है वो तो मजा देखने गए हैं वहाँ पे, इसलिए बोलते हैं सूत्र तद आरूढ़ाभ्याम, जो सूत्र जो फैले अजाग्रत स्वप्न सुषुप्ति उसमें आरूढ़ हुआ कौन प्राज्ञ विश्व तेजस, ये तीनों से अन्न है कौन परमार्थ मायावी है ना, परमार्थी दृष्टि से माया जादू माया दिखाने वाला जादूगर को पहले पूरा स्वस्थ होकर के आ जाता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जागृत स्वप्न सुषुप्ति में उपभोग करने वाला जो भोक्ता वो हो गया विश्व प्राज्ञ तेज, विश्व तेजस प्राज्ञ, और उसका जो है सूत्र का सम्मान किया जिसमें बैठ करके भोग करता है जिसमें आरूढ़ होता है वो हो गया आपका सूल भोग सूक्ष्म भोग, परंतु इससे भिन्न माया भी है जो है जिसको तुरीय शब्द की तरह बोला जा रहा है उसी के उससे भिन्न, यहाँ तक हमने भाष्य पढ़ लिया था ठीक है ना। उसके आगे देखिए भाष्यकार लिख रहे हैं स एव भूमिष्ठ कौन स मायावी, वो कहाँ खड़े हैं जमीन में ही है, वो चढ़ा नहीं ऊपर हमको दिखाई नहीं दिया, स एव भूमिष्ठो वो स भूमिष्ठ नॉमिनेटिव सिंगुलर भूमिष्ठ माया छन्न, ये भी उसका विशेषण है माया के द्वारा अपने को आपने घेर रखा, माया मतलब तो माई कपड़ा कुपड़ा ऐसा घेर दिया ऐसा कोई कपड़ा काला कपड़ा पहन लिया तो आपको दिखाई नहीं देता, तो माया छन्न अदृश्य मान है वो नहीं दिखाई देते हुए ही स्थित वहाँ पे विद्यमान है, क्या अभिप्राय है ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति या धागा के समान है उसमें और माया के द्वारा ढक करके, माया मतलब तीन अवस्था हो गया हमारे को और उसके अंदर जो उपहित होकर के प्राग्ञ विश्व तेजस वो क्या होता है उसमें दिखाई देते हैं परंतु वास्तविक तुरी वहाँ रहते हुए भी उससे असंग है, इसलिए आप बोलते हैं स एव भूमिष्ठ माया छन्न, देखिए स भूमिष्ठ माया छन्न अदृश्यमान स्थित, ये सब नॉमिनेटिव सिंगुलर है ठीक है ना, जो वही जादूगर माया भी एव स्थित जथा, जैसे यहाँ पे दृष्टांत में तथा तुरीयकम परमार्थ तत्त्वम, तुरीय नाम से जो पारमार्थिक तत्व को कहा जा रहा है वो वहाँ पे विद्यमान होते हुए भी हम वहाँ पे क्या करते हैं हमारे अटेंशन जागृत स्वप्न सुषुप्ति में बाहर विषय में चला जाता है, परंतु क्या तुरीय के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है, इसी प्रकार से थोड़ा भिन्नता तो होगा जादूगर इसमें दृष्टांत कष्ट में, तो सामान्य रूप से क्या है जैसे जैसे हमारे ध्यान तुरीय के ऊपर जाएगा जादूगर के ऊपर जाएगा तब जादूगर का जादू नहीं चलेगा है ना, इसीलिए आप ये बोलते हैं कि एवं स एव भूमिष्ठ माया छन्न अदृश्यमान एव स्थित जथा, जैसे वहाँ पे खड़ा रहता है परंतु हमको दिखाई नहीं पड़ता है, इसी प्रकार सभी अवस्था में सभी भोग को वस्तु वहाँ पर अनुसूत रहता है परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि हम नाम रूप में मन आसक्त हो गया, परंतु नाम रूप को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले सच्चिदानंद अंश में मन टिकता नहीं
यही साधन है। तथा तुरीयाकम परमार्थ तत्त्वम, उसी प्रकार से तुरीयो नामक जो परमार्थ तत्त्व है वो भी ऐसा है, वहाँ पे विद्यमान रहते हुए भी हमारे ध्यान अन्य तरफ होने के कारण हमको दिखाई देते, समझ में नहीं आता, यही बात है। अब यहाँ पे देखिए टीकाकार बोलते हैं, माया छन्नतम अदृश्यमानत्व हेतु, ठीक है ना, क्यों सभूमिष्ठ अदृश्यमान अकस्मात माया छन्नत्वा स मायावी अदृश्यमान, ठीक है ना, माया भी नहीं दिखाई देता, क्यों माया के द्वारा घेरे हुए होने के कारण, माया भी नहीं दिखाई देता है, जादूगर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मायिक वस्तु से घेरे हुए है, तुरीय नहीं समझ में आता है, क्यों उपाधि से घेरे हुए है, बस सब पंक्ति के साथ आप दृष्टांत कष्टम मिलाते जाइए आपको स्पष्ट हो जाए क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे आनंद गिरी जी बोल रहे हैं, वो जो माया छन्न, आनंद गिरी जी कह माया छन्नतम मतलब उपाधि के घेरे में आ जाने के कारण अदृश्यमानत्व हेतु नहीं दिखाई देने के लिए कारण है, ठीक है, अदृश्य किसको, माया भी अपने को माया माई वस्त्र अथवा लाइट के द्वारा घेर लेने के कारण वहां विद्यमान होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ता, ठीक इसी प्रकार से तुरीय नामक जो शुद्ध चेतन तत्व है वो उपाधि के घेरे में आने के कारण वहां विद्यमान रहते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते, इसलिए माया छन्नत्व अदृश्यत्व हेतु अदृश्यमानत्व हेतु मतलब उपाधि अच्छन्नत्व, उपाधि को लाया गया था निर्विशेष को समझाने के लिए, परंतु हुआ कैसे, उपाधि ऐसे ढाक दिया निर्विशेष समझ में नहीं आता, ये उसके लिए हेतु है। माया छन्नतम उसी पर, ये जो माया छन्नत आनंद गिरी जी पुस्तक में वो जो माया छन्न लिखा भाष्यकार ने उसका अर्थ कर दिया, माया मतलब माया के घेरे के कारण, माया मतलब क्या है हम पहले ही बताया था, माया कोई अलग वस्तु नहीं है, अज्ञात ब्रह्मों को ही माया शब्द के द्वारा बोलेगा, हमने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, पर तो ठीक से अधिष्ठान को जान नहीं पाया तो रज्जु को बसर की कल्पना कर ली, ये अदृश्यमान रज्जु के अदृश्यमान में हेतु क्या है, अधिष्ठान तत्व की अज्ञा। फिर आगे बोल रहे हैं देखिए अमित गिरि जी, तुरी तथा तुरीयाख्यम परमार्थ तत्व, ठीक उसी भाष्य में क्या है तृतीय लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, तुरीयाख्यम परमार्थ तत्व, तुरीय नाम जो पारमार्थिक तत्व है, बाकी सब व्यभिचारी तत्व है, परिवर्तनीय तत्व है, वो बोलते हैं तथा तुरीयाख्यम परमार्थ तत्व, तुरीय अर्थ परमार्थ तत्व के उसके लिखते हैं तुरीमखम तुरीयाख्यम जागृत स्वप्नो सुषुप्तेभ्य विश्व तेजस प्राज्ञेभ्य अतिरिक्त तद अस्पृष्टम इति शेष, ठीक है ना, तुरीय क्यों कहा वहाँ पे, ये तीन ये चौथा ये बात नहीं है, ये तीन के अंदर रहते हुए भी तीन की जो लक्षण है उसके इसका लक्षण भिन्न है, हमारे पास एक दो तीन चार करके कोई वस्तु है ही नहीं, एक ही तो वस्तु है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं तुरीयाख्यम शब्द भाष्यकार ने जो लिखा उसका अर्थ करता है जागृत स्वप्न सुषुप्तेभ्यो, जागृत स्वप्न सुपंचमी बहुवचन है, इससे अलग और किससे, विश्व तेजस प्राज्ञेभ्यश्च, और वहाँ पे जो अभिमानी चेतन व्यवहार करते रहता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था जड़ात्मक है उसमें बैठ करके जो चेतन व्यवहार करते रहता है, ये दोनों से अतिरिक्त मतलब विलक्षण, लक्षण पे भिन्नता है, अतिरिक्त मतलब ये नहीं जैसे ये टेबिल के ऊपर कवर के ऊपर ही, इससे विलक्षण इससे अलग है पुस्तक, ये चौथा है टेबिल के ऊपर कपड़े के ऊपर स्टैंड उसके ऊपर पुस्तक, यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि सारा ये जो तुरीय है इसी में फैला हुआ है पूर्ण व्यापक है, ये रिक्त लक्षण से भिन्न है मतलब जो शब्द के अंदर अनुसूत है उसमें परिवर्तन नहीं है, इसमें परिवर्तन, इसलिए बोलते हैं विश्व तेजस प्राज्ञेभ्यश्च अतिरिक्तम मतलब क्या हो गया, तत् अस्पृष्टम इति शेष, वहाँ विद्यमान रहते हुए भी वो असंग है, उसके द्वारा उसके गुण धर्मों के साथ उपयुक्त नहीं है, ये यहाँ पे जोड़ना पड़ता है अस्पृष्टम इति शेष, तत्र तुरीयाख्यम परमार्थ तत्व तस्य अतिरिक्तम तत् अस्पृष्टम इति शेष, है ना, यहाँ पे जोड़ के इतना जोड़ के अर्थ करना पड़ेगा, यहाँ पे शेष रहेगा मतलब क्या है, इतना जोर करके पूरा अर्थ समझ में आएगा, उस तीनों में रहते हुए भी उनके धर्मों के द्वारा ये छुआ हुआ नहीं है, इस अभिप्राय है इति शेष। अच्छा फिर आगे बोल रहे हैं टीका में देखिए, परमार्थ तत्व चिंता ही सम्मग्धि द्वारा फलवती न सृष्टे है, ठीक है ना, पारमार्थिक तत्व की चिंता से ही मतलब उस अदृश्य को तत् संबंधित जो सम्मक बुद्धि होता है सम्मग्धि उसी के द्वारा ही ये हमारा वो बुद्धि फलशाली होता है मतलब मुक्ति के लिए हेतु बनता है, न सृष्टि है सृष्टि चिंता से परमार्थ तत्व चिंता मतलब परमार्थ तत्व की चिंता और यहाँ पर सृष्टि की चिंता से कोई मतलब सम्मग्धि से कोई आपका लाभ होने वाला नहीं है, परंतु सृष्टिकर्ता के चिंतन से
यहाँ पे या इस ब्रह्म सूत्र में अधिकरण आया हुआ है। आप बोलते हैं कि सृष्टि परमात्मा तो अलग अलग जगह पे कहते, कहीं ब्रह्म से, कहीं आत्मा से, कहीं पुरुष से, और फिर कहीं अग्नि से सृष्टि किया, कहीं से आकाश से सृष्टि किया, कहीं से ऐसा बंदर मुट्ठी की तरह एक साथ सृष्टि कर दिया, ऐतरियों में जैसा मिंड से उठा, ये कैसा सूत्र की कोई ठीक है क्या? भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप हर जगह पे देखिए सृष्टि की प्रक्रिया में भिन्नता है, परंतु सृष्टिकर्ता को लेकर के जो बोला उसको नहीं है। कारणत्वेनामृतक ये आपका ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय चतुर्थ पद में है, बोलता है कि श्रुति की अभिप्राय सृष्टिकर्ता को बोध कराना है। इसमें सृष्टिकर्ता को समझाने के लिए जो शब्द प्रयोग किया वहाँ पर व्यभिचार नहीं किया, एकमेव अद्वितीय अनन्य किंचित, परंतु सृष्टि की प्रकृति क्योंकि वहाँ पर हमारा आदर नहीं है, सृष्टि व्यभिचार। श्रुति वाक्य से ये निश्चय होता है सृष्टि पारमार्थिक होना संभव नहीं है, वो उसका एक व्यक्ति को समझाने के लिए उसका अध्ययन किया जाए, इसलिए सृष्टि में आदर नहीं देना है, सृष्टि का उसके माध्यम से उसके अंदर विद्यमान उसको आदर देना है। इसलिए परमार्थ तत्व चिंता ही, यहाँ पे देखिए हमारे पुस्तक में आपका ये सम्यधी धारा लिखा है, आप ये गकार छूट गया टीका में, गकार चाहिए, एक हलंतम गकार चाहिए, य और ध के बीच में एक गकार हलंतम चाहिए, है ना। सम्यधी द्वारा फलवती ही ना सृष्टि फलशाली हो जाते हैं, परंतु सृष्टि के ज्ञान से वो फलशाली नहीं होते। तत् सृष्टो अनादर तत्व निष्ठाना की, इसलिए जो तत्व में निष्ठा रखने वाले हैं, पारमार्थिक सत्य क्या वस्तु है इसको जानने की इच्छा रखने वाले हैं, अथवा जो मुमुक्षु है वो सृष्टि में आदर नहीं देते, वो सृष्टि में आदर नहीं देते, स्वरूप में आदर देते हैं। इसलिए बोलते हैं तत्व इसके फलस्वरूप, क्योंकि सृष्टि के ज्ञान से हमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए तस्मात सृष्टो अनादर, सृष्टि में तत्व चिंतका नाम सृष्टो अनादर, तत्व चिंता करने वाला तत्व विचार करने वाला क्या होगा, सृष्टि में आदर नहीं देंगे। क्यों? ये तत्व निष्ठा नाम तत्व चिंता, तत्व में निष्ठा रखने, सत्य में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति, जैसे मान लीजिए सत्य में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति मिथ्या के ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है ना, इसी ठीक सामान्य सभी को दिखाई पड़ता है, सत्य निष्ठा रखने वाले व्यक्ति मिथ्या व्यवहार नहीं करते, इसी प्रकार तत्व चिंतका नाम सृष्टि में आदर नहीं देते, क्योंकि वो सत्य करना चाहते, मित्र को लेकर क्या करना है, ये अभिप्राय है। अब आ जाइए फिर भाष्य में, अत तत्व चिंतायाम एव आदर मुमुक्षुनाम, तत्व चिंतायाम एव आदर मुमुक्षुनाम आर्यानाम, आर्यानाम है आर जो एक जाति बोलते हैं हम समझ, परंतु यहाँ पे जो सत्य में, इसीलिए क्या बोला, इसलिए अतः तत्व चिंतायाम सच्चाई तत्व में जो तत्व मतलब उसमें रहने वाला सृष्टि के अंदर रहने वाला जो पारमार्थिक भाव, उसी में ही आदर होता है किसका, मुमुक्षु का, मुमुक्षु को लिख करके बाद भगवान भाष्य का लिखा आर्यानाम, आर्य शब्द का अर्थ शिष्ट पुरुष, शिष्ट सभ्यता यहाँ पे था, हम लोग बोलते हैं आर्य सभ्यता, है ना, मतलब शिष्ट पुरुष के द्वारा जिस संस्कार को अथवा जिस संसार सामाजिक परंपरा को बनाया गया था उसको हम आर्य सभ्यता बोलते हैं। अब मैं फिर धातु रूपी कैसे मना आर्य सभ्यता, तो ये देखा आ उपसर्ग पूर्वक व्री गच्छो, गति अर्थक जोड़ी धातु है, उससे जो है आपको यहाँ पे क्या हो गया आर्य प्रत्यय होता है, मूर्ध न और त नकार बीच होता है, यह बचता है, तो आदि अच को वृद्धि होगा आर हो गया और यह आर आर यह बन जाता है। अच्छा गति अर्थ क्यों बनाया, गति अर्थ धातु है, मतलब क्या है, जिसके जिन लोगों के पास जाने से आपको कुछ सीखने को मिलता है वो लोग आ गए। देखिए भाष्यकार ने शब्द प्रयोग में सोचा ऐसा शब्द क्यों प्रयोग कर दिया, फिर मैं डिक्शनरी ढूंढा तो इन गतो धातु से भी कहीं पर लिखा है कहीं आपका री गच्छो मतलब गति अर्थ धातु के लिए, इनका तो सबसे लेगा तो यह हो जाएगा अनप्रत्यय कर जाएगा वहां पे अनप्रत्यय से बन जाएगा आ उपसर्ग उपयोग आ र का निपातन से आता है, आर तो हमारे पास कोई ये क्या बोलते हैं उसको उपसर्ग तो है ही नहीं, तो र निपातन से आते हैं, उससे अच्छा वी गति अर्थ धातु है उससे यह नियत प्रत्यय करने से आर्य बन जाता है। आर्याना मतलब क्या है, जिन ऋषि मुनियों के पास जा करके कुछ सीखने का नाम होता था उन लोग सृष्टि में आदर नहीं दिया उसको, बोला भगवान को जानो, आज तक किसी महापुरुष ने किसी को एक नहीं कहा कि सृष्टि में आदर दो, सभी नहीं सका, भगवत प्राप्ति से मनुष्य जीवन की सफलता है ना, इसलिए मुमुक्षु नाम आर्या नाम
इंटरेस्टिंग शब्द प्रयोग किया और किसी जगह में हमने ऋषि नहीं देखा भगवान बच्चों यहाँ पे, मतलब जिसके पास जा करके कुछ सीखा जा सकता है। ऋषि मुनियों ने ऐसा ही कहा। अतः तक चिंतायाम एव आदरो मुमुक्षुणाम आर्यानाम, ठीक है ना, उसमें आदर देना चाहिए। न निष्प्रयोजनायाम शिष्टो आदर इत्यतः, प्रयोजन नहीं जो सृष्टि है, प्रयोजन नहीं मतलब उसकी चिंता में प्रयोजन नहीं है, मतलब आश्चर्य की बात है। अधिकतर चिंता हम सृष्टि को लेकर ही करते हैं, अधिकतर चिंता सृष्टि को लेकर ही करते हैं। न निष्प्रयोजन, वहाँ पे कौमा कर देना, अतः तत्व चिंतायाम एव आदर मुमुक्षुनाम आर्यानाम, ये पंक्ति हम समाप्त हो जाता है। और न निष्प्रयोजनायाम शिष्टो आदर, प्रयोजन नहीं जो सृष्टि है उसमें आदर नहीं देते हैं कौन, मुमुक्षु, मुमुक्षु साधक सृष्टि में आदर नहीं देगा। इसलिए मैं बोला देखो ये मांडू को कारिका पढ़ते समय आपका व्यू थोड़ा बदल लेना चाहिए, ये सृष्टि से उसको कैसे उससे हम मतलब पारमार्थिक तत्व को दृष्टि दीजिए। और इसके लिए सबसे बड़ा अवलंबन है द्वैराग, कहाँ तक, शरीर तक भी जो अपनापन है, ठीक है, इसी में बैठ करके हम समझेंगे उसको। भगवान जिस प्रकार इस कुर्सी में बैठ करके मैं रोज कितना 2009 से यहाँ पे बैठ करके पढ़ा रहा हूँ, सच्चे कभी भी मन में ऐसा नहीं होता कि ये कुर्सी मेरी है, जूता मैं भाग के नहीं ले जाता हूँ। परंतु ठीक इसी प्रकार यदि ऐसा निश्चय हो जाता है कि यहाँ बैठ करके मेरे को भगवत तत्व के चिंतन करने का, अब स्वरूप को समझने का मौका मिल रहा है, इतना अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है यहाँ बैठ करके, ऐसा यहाँ बैठ करके भी वही हो रहा है, परंतु ये मेरा अपना नहीं है, मैं तो अपना स्वरूप, ये केवल भगवान ने दिया उसको समझने के लिए, ये दृढ़ निश्चय हो जाए मंडू को कहीं का स्पष्ट हो जाएगा। है ना, इसलिए मतलब मूल ऋषि नाम आर्या नाम न निष्प्रयोजन शिष्टो आदर इत। अच्छा यहाँ पे फिर टीका में आ जाइए, है ना, यहाँ पे टीका में देखिए टीकाकार बोला न तत शिष्टो अनादर तत्व निष्ठान इत्याह। न मतलब कहाँ से लेंगे प्रतीक, ये न निष्प्रयोजनायाम शिष्टो आदर इत्यादि, इसलिए मैं बोला वहाँ पे कॉमा कर दीजिए, तब यह तब जाके वहाँ पे प्रतीक ठीक लगेगा। अब फिर देखिए टीका में परमार्थ चिंतकानाम शिष्टो अनादरात अपरमर्थ निष्ठायाम एव शिष्टो विशेष चिंता इति उक्ते अर्थे द्वितीय अर्थम अवतारयति। परमार्थ चिंतकानाम शिष्टो अनादरात, ठीक है ना, ये जो सृष्टि के बारे में विचार करना ये परमार्थ चिंतक, देखिए हमारी व्यासदेव जी का देखिए पूरा ब्रह्मसूत्र पूरा अध्याय प्रथम अध्याय केवल ब्रह्म ब्रह्म शब्द तो शिष्ट संबंध लिया, मतलब प्रतिपादन किसको किया, निर्विशेष ब्रह्म को प्रतिपादन कर दिया। इसीलिए बोलते हैं कि परमार्थ चिंतकानाम शिष्टो अनादरात, पारमार्थिक चिंता करने वाले व्यक्तियों का, मुमुक्षुओं का, आर्य ऋषियों का सृष्टि में आदर नहीं होने के कारण अपरमर्थ निष्ठा नाम, जो लोग पारमार्थिक में निष्ठा नहीं रखते हैं, ठीक है ना भक्त, अब ब्रह्म लोग प्राप्त करते हैं, शिव लोग प्राप्त करना चाहते हैं, इसको सच्चाई को मानकर ठीक है, तो उन लोगों को चिंता भगवान की लीला महिमा ठीक है, परंतु जो मुक्त होना चाहते हैं, इस शरीर से मुक्त होना चाहते हैं, उनको तो बस सृष्टि के विषय में आदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक के जीवन के अलग अलग लक्ष्य होता है। देखिए एक व्यक्ति लक्ष्य बनाया कि मैं एक अच्छा कॉर्पोरेट बनूँ, और एक व्यक्ति लक्ष्य बनाया कि मैं एक प्रोफेसर बनूँ, मतलब लोग शिक्षा बनो ही एक पैसों उपार्जन के लिए, क्योंकि उसने देखा कि जीवन में बच्चे को मतलब सिखाने के लिए समाज में एक मतलब निष्ठावान प्रोफेसर अथवा शिक्षक की आवश्यकता होती है, शिक्षक हो चुके क्योंकि ने बोला मातृमान पितृमान आचार्यमान जैसा बोलते हैं, पहले आपको माता पिता से शिक्षा, पहले माँ फिर पिता से शिक्षा फिर आचार्य से शिक्षा, तो किसी ने अपने जीवन को आचार्य बनाने के लिए बनाया, कोई कॉर्पोरेट, दोनों की जीवन शैली भिन्न होगा, दोनों की जीवन शैली भिन्न होगा, ठीक है, जीने के लिए अर्थ उपार्जन अलग बात है, जीवन शैली एक आदर्श पुरुष बनना, इसी प्रकार मैंने जब जीवन में लक्ष्य बनाया कि हमें इसी शरीर में मुक्त होने के लिए प्रयास करूँ, तो शिष्ट संबंधित अन्न अपने चिंतक के मन को धीरे धीरे प्रारब्ध के पश्चात को बचाएगा, तो धीरे धीरे अपने को हाँ जो भी धीरे धीरे इसी बोलते हैं हमने लिए देखो यही बोल रहे हैं कि टीकाकार बोलते हैं कि परमार्थ चिंतक अनाम शिष्टो अनादरात अपरमर्थ निष्ठा नाम, जो लोग पारमार्थिक निष्ठा नहीं रखते हैं
उन लोगों का ही शिष्ट विशेष चिंता, उन लोगों के सृष्टि में विशेष चिंता होते हैं। कैसे होता है? इति उक्ति अर्थ, ये जो पहले कह करके आया भगवान भास्कर इस विषय में, इस श्लोक की जो द्वितीय भाग है कौन सा? स्वप्न माया स्वरूपेति सृष्टि अन्य विकल्पिता। कुछ कुछ लोगों के द्वारा कोई कहते हैं स्वप्न जैसा है, कोई कहते हैं माइक है, इस प्रकार कोई व्यवहारिक कोई प्रातिभाषिक बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं द्वितीय अर्थ को यहाँ पे व्याख्या करते हैं, विशेष चिंता परमार्थ चिंतका नाम सृष्टो अनादरा हेतु दिया, अपरमार्थ निष्ठा नाम एवं सृष्टो विशेष चिंता इति उक्ति अर्थे द्वितीय अर्थम श्लोक की द्वितीय आधार को अवतार है। भगवान भाष्कर बोलते हैं इत्यतः, यहाँ भी जो एक कौमा फिर वहाँ होना चाहिए, न निष्प्रयोजनायाम सृष्टो आदर, ठीक है, वहाँ भी एक कौमा लगा दीजिए, फिर प्रतीक है इत्यतः, इसलिए क्योंकि जो है परमार्थ चिंता करने वाले जो आर्य ऋषि लोग मुमुक्षु साधक के लिए क्या है, सृष्टि के ऊपर आदर नहीं देना है ना, केवल मात्र तत्व निष्ठ मन के निष्ठ होना चाहिए। इत्यत सृष्टि चिंतका नाम एव एते विकल्प इतिहास, इसलिए सृष्टि के विषय में जो चिंता करने वाले वो लोग ऐसा ऐसा विकल्प करते हैं, परंतु वेदांत सृष्टि को लेकर इतना चिंता नहीं करता, ब्रह्म को लेकर के विचार करते हैं। इतिहास स्वप्न माया स्वरूपेति, ये सृष्टि कैसा है, या तो स्वप्न स्वरूप है या तो माया स्वरूप है ना। स्वप्न स्वरूप मतलब क्या हो जाएगा? प्रातिभाषिक। और माया स्वरूप मतलब क्या? प्रातिभाषिक भी है, हो सकता है थोड़ा व्यवहारिक मजा ले रहे हैं, थोड़ा स्वप्न में भी हमको सुख दुख का भोग होता है, और माया स्वरूप मतलब क्या? प्रतीति है ही नहीं, और स्वप्न में तो बिल्कुल प्रतीति है ही नहीं, दोनों मुझसे को जो जिसको मानते हैं जिस प्रकार से आप कहेंगे। देखो टीकाकार समझ रहे हैं, जागृत गतानाम अर्थानाम एव स्वप्ने प्रथना तस्य सत्यत्वम, ठीक है ना, जागृत में जो वस्तु हमें दिखाई पड़ रहा है उस विषय को सपने दिखाई देने के अभिव्यक्त होने का तस्य सत्यत्वम, जागृत वस्तु को सत्य मानना चाहिए, ऐसा कोई कहते हैं। मायायाश्च मन्यादि लक्षणायः सत्यत्व अंगीकारात् अनयोर विकल्पयोर सिद्धान्तात् वैषम्यम अन्येयम्, ये दोनों सिद्धांत हम तो सृष्टिवाद मानते ही नहीं है, अजात बात मानते, इसलिए मायायाश्च मन्यादि लक्षणायः, मतलब क्या हो गया कि मनी होता है ना ज्वेल, जो आपको है नहीं कुछ, और जादूगर दिखा देते हैं देखो ये है वो है, माया के द्वारा दिखाते हैं, है वहाँ पे सामान्य चीज पर, परंतु आपको इट विल अपीयर टू यू एज इफ इट इज वेरी कॉस्टली एंड मतलब यूजफुल। मनी मतलब क्या है? कॉस्टली एंड यूजफुल, ये कहना चाहते हैं। तो है माई वस्तु ना, वो कॉस्टली है और ना वो उसमें कोई यूज है, ये माया को लेकर के बोल रहे हैं। स्वप्न बोला मतलब जिसको हम, जिसका संस्कार हमारे पास है उसी को हम बार बार चिंता करते रहते हैं, स्वप्न ही हो गया। और माइक वस्तु क्या होता है? कोई वस्तु में कुछ आरोप करके हमने उसमें मतलब ये मूल्यवान वह हमारे उपयोगी इसका भावना करके बोलते हैं, इस दोनों को भाव को लेकर के मतलब वेदांति बोलते हैं, परंतु पारमार्थिक वेदांतिक तो सृष्टि है ही नहीं, ऐसा कोई ग्रुप ऐसा बोलते हैं, एक देश लोग ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे स्वप्न माया स्वरूप है, स्वप्न स्वरूप माया स्वरूप चाहिए। तो टीकाकार लिखते हैं जागृत गतानाम अर्थानाम, जागृत में जिस वस्तु को आप लोगों हम लोगों ने देखा उस विषय का ही स्वप्ने प्रथना, स्वप्न में दिखाई देने के कारण तस्य सत्यत्वम, जागृत में सत्यत्व ऐसा कहते हैं। और मायायाश्च तो स्वप्न वस्तु, और मायायाश्च मन्यादि लक्षणाया, माया कौन है? मतलब एक वस्तु आपको चाकचिक को जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब क्या है कि एक कॉस्टली है हमारे रूप में, ये भावना करेगा, मतलब माया की लक्षण करते हैं, बोलते हैं उसमें क्या होता है कि सत्यत्व अंगीकारात, कोई व्यक्ति उसको सत्य मान लेता है कि वास्तविक हमारे उपयोगी होगा, अंगीकारात अनयोर विकल्प और, ये जो तो विकल्प किया स्वप्न माया स्वरूप, एक स्वप्न विकल्प एक माया विकल्प, अनयोर विकल्प सिद्धांत वैषम्यम उन्नेयम, सिद्धांत मुख्य वेदांतिक सिद्धांत से थोड़ा विषमता है, ऐसे यहाँ पे समझ लेना चाहिए, ऐसे यहाँ पे समझ लेना चाहिए। कई वादी जगत को अनित्य तो सभी वादी लगभग मानते हैं पूर्व मीमांसा दर्शन को छोड़ करके, तो जगत को मिथ्या मानने का हिम्मत किसी नहीं, जगत को अनित्य तो मानते हैं, और परंतु वेदांत अनेक वादियों ने माना। अच्छा कुछ वादियों ने वेदांति एक दिशी आदि जो क्या होता है कि जगत संबंधित जो इसमें कोई स्वप्न बोलते हैं, कोई व्यवहारिक सत्य मानते हैं, कोई प्रातिभाषिक सत्य मानते हैं, वेदांति बोलते हैं कि जगत की उत्पत्ति नहीं है, मतलब मुख्य सिद्धांत उत्पत्ति कहाँ से होगा, हमने उत्पत्ति सृष्टि में तो कहा, मतलब श्रुति में तो कहा, और इसलिए कहा कि निर्विशेष तत्व को समझाने के लिए आधार प्रक्रिया है, सामने जो दिखाई दे रहा है तो आप कैसे मानेंगे, ठीक है व्यवहार चलने के लिए आपको जैसा मानना है मानो,
ये पारमार्थिक विशेष महाधर्म को व्यवहार चलाने के लिए। इसलिए आप बोलते हैं कि ये स्वप्नों में माया या मन्यादि लक्षण या माया जो मनी आदि के द्वारा, मतलब देखने में तो आपका कॉस्टली एंड वैल्यूएबल ये लगता है, उपयोगिता लगता है, पर वास्तविक वहाँ पे है ही नहीं, उससे क्या करोगे आप बताइए। कि एक व्यक्ति को हमने सुना कुछ दिन पहले, वो जो किसी एक मंदिर से स्फटिक मूर्ति, मतलब ऑलरेडी में कहते ना चलते एक भगवान शिव जी का कई करोड़ रुपया की था, वो किसने चुरा लिया था, क्या किया हूँ उसे क्या लाभ होगा, वो किसी बैंक की तिजोरी में लग गया, बार बार अनुसंधान करके निकाल दिया। इस प्रकार मान लीजिए संशय में कोई वस्तु वैल्यूएबल वस्तु आपको दिखा, उससे आपको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, कोई व्यवहारिक सुख मिलेगा जो हम मैत्री ब्राह्मण से पता लगेगा। जब जागोबा को उसने मैत्री को कहा कि हम इसको बंटवारा करेंगे, मैत्री सीधा पूछती है क्या इससे मुझे अमृतत्व प्राप्त हो जाए, स्पष्ट कहते नहीं नहीं, एक अच्छा उपकरण वाले जैसा जीते ऐसा जी सकते हो, परंतु अमृतत्व आशा बीतते न अमृत आशा अस्ती धन दौर। इसलिए हमें बोल रहे हैं कि मनियादि लक्षण आया सतत अंगीकार आना और विकल्प, यदि आपको मान लीजिए परंतु इससे अमृतत्व आशा नहीं करना, इसलिए ये वेदांतिक सिद्धांत में जो भिन्नता है इसको यहाँ पे उठा करके विचार कर लेना। उन बोला ना यहाँ पे कि सिद्धांत वैषम्यम उन्नय, वेदांतिक मुख्य सिद्धांत में जो विषमता है उसको यहाँ पे मतलब समझ करके विचार कर लेना, उन्नय को उठा लेना चाहिए। ये हो गया आपका सृष्टि कैसे हुआ उसको लेकर के विचार करना, एक अनदर ये दे रहा है सृष्टि कैसे हुआ। अब यहाँ पे बोलते हैं टीका में देखिए, सृष्टि चिंतकानाम एवं सृष्टि विषय विकल्पांतरम उत्थापयति, सृष्टि कैसे हुई, मैं क्या बोला सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि क्यों हुई, दोनों को लेकर के टीकाकार मांडू कालिकाकार दिखाएंगे जो भाष्य में नहीं है, मतलब जो मूल में नहीं है, कालिका में विशेष करके दिखा रहा है सृष्टि चिंता कौन करते हैं, मतलब आप, मैं बोला कि आप यहाँ पे कैसे आए, तो क्या अर्थ होता है आप किस साधन से आए अथवा किस कारण से आए, तो ठीक इसी प्रकार सृष्टि कैसे बनी और क्यों बनी, इन दोनों को लेकर अभी ये भी फिर भी कैसे बने उसको लेकर के यहाँ पे कहते हैं कि सृष्टि चिंतकानाम एवं सृष्टि विषय विकल्पांतरम, सृष्टि विषय में चिंता करने वालों का ही सृष्टि के विषय में और एक कुछ विकल्प को यहाँ उत्थापन करते हैं, कौन मानव कार्य का, इसको अधिक से विकल्प करेंगे अद्वैत प्रकरण में 18 से लेकर के 23 तक के श्लोक में अलग अलग सृष्टि संबंधित जो विकल्प हुआ है श्लोक में। इच्छा मात्र मात्रम प्रभोः सृष्टि, इच्छा मात्रम प्रभोः सृष्टि, रीति सृष्टौ विनिश्चितः, रीति सृष्टौ विनिश्चितः, कालात् प्रसूतिं भूतानां, कालात् प्रसूतिं भूतानां, मन्यन्ते कालचिन्तकः, मन्यन्ते कालचिन्तकः, इच्छा मात्रं प्रभो सृष्टि, ऋति सृष्टौ विनिश्चितः, कालात् प्रसूतिं भूतानां, मन्यन्ते कालचिन्तकः। यहाँ पे भगवान इच्छा किया तो भगवान ने बना लिया, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि। अब बताइए कुल्हाड़ ने कुम्हार ने इच्छा किया था कि मैं घड़ा बनाऊं, तो घड़ा सृष्टि हो जाएगा क्या, हो जाएगा नहीं। मैं क्या पूछा, कुम्हार ने सोचा कि मैं घड़ा बनाऊं, तो व्यवहारिक, क्योंकि हमको सृष्टि के विषय में चिंतन करने के लिए आपको सोचना पड़ा व्यवहार में हमें कैसा दिखाई पड़ते हैं। इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि बोल रहे हैं, परंतु आप बताओ कुम्हार अथवा जोला जब सोचता है कि मैं कपड़ा को बनाऊं अथवा घड़ा को बनाऊं, उसकी इच्छा से बन जाता है क्या, नहीं बनता है, उसका अलग हो गया निमित्त, अलग उपादान कारण चाहिए और उपादान कारण में व्यापार करने पर तब तक सृष्टि होती है। आप जब ईश्वर तक को निषेध करने जा रहे हो कि मानव को कार्य, मैं यही नहीं बोला, यहाँ पे पुराना संस्कार थोड़ा सा धक्का खाएगा, पुराने संस्कार थोड़ा धक्का खाए गए यहाँ पे, परंतु कारिकाकार उसको नहीं छोड़ा, देखिए बिल्कुल स्पष्ट करते सुन, क्योंकि वहाँ पे एक मात्र पद इच्छा मात्र बोल रहे हैं ना, वहाँ पे
यदि ये मातृपद नहीं बोलते, कुछ लोग ऐसा मानते हैं जैसे बोला अभी ना भगवान तो अपने संकल्प सब कुछ, हम भी बोलते हैं अपने संकल्प सब कुछ कर सकते हैं, आकाश में सब बने, परंतु यहाँ पे मात्र सब प्रयोग किया और किसी की इच्छा के बिना, और कोई उपादान के बिना, और कोई उपादान के बिना जाते भी सुनते, परंतु हमारे वेदांतिक सिद्धांत तो बोलते हैं, मैं जैसे बोला उन्नाभि का दृष्टांत दिया, परंतु उन्नाभि को भी बनाने के लिए उनको कुछ मतलब अपने लाला फिर उसको खाना फिर उससे निकालना कुछ क्रिया करना पड़ता है। उपकरण रहित सृष्टि, सजातीय सृष्टि, विजातीय सृष्टि के बारे में श्रुति ने दृष्टांत दिया। मैं पहले ही बोला ये सृष्टि में आदर रखने के लिए, जब सृष्टि रहित स्थिति में आपको आना, सृष्टि होना संभव ही नहीं, तो निर्विशेष व्यापक तत्व में कहाँ से आए। इसलिए आप ये इच्छा मात्र शब्द प्रयोग करके जो भी यहाँ पे मतलब कभी भी किसी भी मतलब चीज को बनाने वाले, मैं सोचा एक मकान बना लूँ, इच्छा मात्र से नहीं होने वाला है, मेहनत करके पैसा कमाना पड़ता है, फिर बजरी ईट सीमेंट पत्थर सब लगाना पड़ता है, तब जाकर के मकान बनते हैं, इच्छा मात्र से कुछ नहीं। हाँ संकल्प पहले चाहिए परंतु इच्छा मात्र से नहीं होता, पर यहाँ पे होता है इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि इति सृष्टो विनिश्चितः। इस सृष्टि के विषय में कुछ लोग ऐसा भी निश्चय करते हैं, ठीक है ना, प्रभु इच्छा मात्र सृष्टि करते हैं, ऐसा किसी किसी ने निश्चय किया। कुछ लोग बोलते हैं देखो जिस प्रकार समय आने पर आम की फल गर्म के समय आते हैं, फिर आपका जो है ठंडे के समय अमृत आते हैं, फूल भी अलग अलग काल में अलग अलग होते हैं, मतलब समय आने पर वस्तु अपने आप ही आता है, इसी प्रकार काल ही उत्पन्न करने वाला है, समय से सृष्टि हो जाता है, अपने आप ही होता है, केवल काल से नहीं होता, वहाँ भी तो मानते उसके पीछे कोई एक नियामक होगा, इसलिए होता है कालात प्रसूति भूताना, भूतों की सृष्टि काल प्राप्त करते हो जाए, अथवा ज्योतिष मानने वाले वो लोग तो बस काल से तो कैलकुलेशन करके बोले कि इस समय एक इससे फल मिलेगा, पर उसमें भी देखिए वो उसका केवल काल से होता है बोलने से नहीं होगा, आपको उस समय में उस कर्मों को करने पर तब जाकर फल प्राप्त होता है, केवल काल से नहीं होता। इसलिए हमें बोलते हैं कालात प्रसूति भूतानाम मन्यन्ते कालचित, देखा कोई कहते हैं कि भगवान की इच्छा मात्र सृष्टि हो जाते हैं, कोई कहता है कि नहीं नहीं समय से सब कुछ अपने आप होते हैं, इस प्रकार अलग अलग वादियों के अलग अलग सृष्टि को लेकर के अभी भी वैज्ञानिक लोग भी दार्शनिक लोग भी फंसे हुए हैं, कोई भी इसका यथार्थ तो सोल्यूशन नहीं निकाल पाया, इसलिए हमारे मांडू को कारिकाकार बोलते हैं बस सृष्टि में आदर मत दो, सृष्टि जब ज्ञान हो जाएगा पता लगेगा कि अपने आप ये जो है कुछ पारमार्थिक वस्तु ने प्रकृति मात्र था, इसलिए आपने बोला तो मनुष्य अर्थ यह है इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि इति सृष्टो विनिश्चितः, केवल इच्छा मात्र से सृष्टि भगवान की सृष्टि हुआ, ऐसा कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं काल से सृष्टि हुई, इस प्रकार से सृष्टि के विषय में कैसे सृष्टि उसके विषय में ये दो श्लोक कहते हैं। यहाँ पे भगवान भाष्यकर इस पर कुछ अधिक कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे बोलते हैं इच्छा मात्र प्रभो सत्य संकल्प पर सृष्टि घटादि संकल्पना मात्र न संकल्पना अतिरिक्तम। जिस प्रकार देखिए मैं जो बोला वो हमने मन से नहीं बोला, भगवान भाष्यकर क्या लिख रहे हैं, इच्छा मात्र प्रभो सत्य संकल्पत्वात्, भगवान सत्य संकल्प होने के सत्य काम सत्य संकल्प है ना, यह इच्छा मात्र सृष्टि नहीं हो सकता है, घटादि संकल्पना मात्र न संकल्पना अतिरिक्तम, घटादि भी संकल्प मात्र से नहीं बनते, हम तो बोलते घटादि को पहले आपको संकल्प करना पड़ता है, परंतु उसके बाद क्या करना पड़ता है, उस संकल्प के अनुसार क्रिया और व्यापार सृष्टि करने वाला और उसको उपादान करना चाहिए, तब जाके घटादि वस्तु सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि घटादि संकल्पना मात्र जो भी कुछ सृष्टि करेंगे पहले संकल्प चाहिए, न संकल्पना अतिरिक्त वो वाले ऐसा कहते हैं संकल्प मात्र ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं, ये गलती है। और कालादेव सृष्टि के चित कोई कहता है नहीं, जैसे कालादेव सृष्टि मतलब इस प्रकार समय से हर चीज घूम घूम के आते हैं, फूल फल पेड़ पौधा ठंडे के समय सब बच्चा आ जाते हैं, फिर बसंत के में सब आ जाते हैं, इसी प्रकार काल से अब फिर सृष्टि मतलब गर्मी में एक प्रकार की सब्जी आना जाते हैं, ठंडे में एक प्रकार की सब्जी आना जाते हैं, इस प्रकार से काल से होते हैं, परंतु उसके पीछे जो बीज है वो उसको भूल जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये अलग अलग वादियों ने अलग अलग सृष्टि के विषय में अपना सिद्धांत को रखते हैं। तो देखो टीकाकार क्या बोलते हैं, सृष्टि चिंतका नाम एवं सृष्टि विषय विकल्पांतम उत्थापयति इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि ज्योतिर्विदाम कल्पना प्रकार हवि, कौन लोग ज्योतिष तत्व को माने उन लोगों को सृष्टि मानते हैं सर, वैयाकरण लोग बोलते हैं शब्द से उत्पन्न होता है, हाँ आपके पास आया हुआ है, तो यहाँ पे ब्रह्मसूत्र में
तृतीय अध्याय प्रथम अध्याय तृतीय पद में किसने किस शास्त्र ने क्या क्या चीज को बनाया, तो सौभाग्य मनुष्य बने, सौभाग्य ऐसा करके एक शब्द उत्पन्न करके मनुष्य उत्पन्न हो गया, वही कारण लोग शब्द से उत्पन्न मानते हैं। इसी प्रकार से ज्योतिर्विदाम कल्पना प्रकार, ज्योतिष ज्योतिष जानने वाले व्यक्ति जो किस प्रकार कल्पना करता है, क्या करता है, कालात्मति भूतानाम परमेश्वर से इच्छा मात्र सृष्टि अत्र हेतु मह, परमेश्वर जो है कि भगवान भाष्यकार बोलते परमेश्वर की सृष्टि मात्र संकल्प मात्र सृष्टि, इसका हेतु क्या है, क्योंकि परमात्मा सत्य संकल्प है। जो लोग ऐसा मानते हैं, ध्यान देना हमारे वेदांतिक मुख्य सिद्धांत नहीं है, जो लोग मानते हैं कि परमात्मा से सब कुछ सृष्टि होती है, तब उसको पूछते हैं परमात्मा के पास कुछ नहीं बनेगा कैसे, परमात्मा सत्य संकल्प है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे निर्णय करते हैं, अब दृष्टान्त बोले यथा लोके कुलाल आदि संकल्पना मात्र घटादि कार्य न तद अतिरेक न घटादि कार्य सृष्टि इष्टा, जिस प्रकार कुलाल मतलब कुम्हार उम्र आदि बाझोला आदि अपने वस्तु को बनाने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है ना, इसलिए संकल्प से सृष्टि होता है ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए बोलता है यथा लोके कुलाल आदि संकल्पना मात्र घटादि कार्य न तद अतिरेक कौमा करते घटादि कार्य न तद घटादि कार्य सृष्टि निष्ठा, संकल्प से भिन्न करके घटादि कार्य सृष्टि अभिष्ट नहीं है, संकल्प मन में ना हो, इसीलिए तो शांत को सीधे बोलते हैं तस्मात क्रतु कुर्वीत स क्रतुम कुर्वीत, तस्मात क्रतु कुर्वीत संकल्प करो, तब व्यवहारिक जगत में लक्ष्य चीज निश्चय करने के समय मानते हैं, पारमार्थिक में जब स्थिति को समझेंगे तभी सब चीज में जो है परमार्थिकता नहीं है, तो हमको समझाने के लिए बोला गया था। इसलिए हमें बोलते हैं कि यथा लोके कुलालादे संकल्प न मात्र घटादि कार्य न तद अतिरेक न घटादि कार्य सृष्टि इष्ट, उससे भिन्न करके सृष्टि होना संभव नहीं है। नाम रूपाभ्याम अंतर एव कार्यम संकल्प वही तन निर्माण अभ्युपगमान, अब जो है अस्ति जनान भी बोल रहे हैं कि नाम रूपाभ्याम अंतर एव कार्य, जो कार्य है ना वो नाम रूप के अंतर पाती है, नाम रूपाभ्याम एव अंतर एव कार्यम संकल्प, उसको पहले मन से संकल्प कर लेता है संकल्पीय, ठीक है ना, संकल्प करके फिर क्या करते हैं वही तक निर्माण बाहर उसके बाद उसको निर्माण करते हैं, पहले मन में रहता है फिर बाद में उत्पन्न करता है, ठीक है ना, नाम रूपाभ्याम अंतर एव कार्य, नाम रूप के अंदर जैसे हमने मन ही मन सोचा कि मैं ये बनाऊंगा तो क्या होगा, जब जहाँ पे मकान देखा है उस प्रकार के सामने एक रूप आएगा, फिर उसमें ये नाम है इस प्रकार ये आप लाएंगे, पहले मन ही मन संकल्प करके फिर बाद उसको बाहर अभिव्यक्त करते हैं, संकल्प अभिप्राय बाहर उसको अभिव्यक्त करते हैं, ऐसा सामान्य व्यवहार में देखा जाता है। मनुकर का क्यों बोल रहे हैं कि सृष्टि कैसे हुई, इसको लेकर के सृष्टि चिंतक में क्या क्या विचार किया, भगवान भाष्यकर पहले ही बोल दिया मुमुक्ष नाम आर्यानम सृष्टौ न आदर अस्ति, उन लोग सृष्टि में आदर नहीं है, इसलिए आप नाम रूपाभ्याम अंतर एवं कार्यम संकल्प संकल्प करके वहिष्ठ निर्माण अभ्यास उसको निर्माण किया जाता है ऐसा माना जाता है। तथा भगवत सृष्टि, इसी प्रकार भगवान का सृष्टि है संकल्पना मात्रा न तद अतिरिक्त काचित अस्ति इति, परंतु यहाँ मात्र पद दे करके जो भगवान की सृष्टि है भगवान केवल संकल्प मात्र से ही बनाया, उसके बाद भिन्न और कोई वस्तु को नहीं लिया, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, क्योंकि जो वासुदेव शंकर सन प्रद्युम्न है ना, इस प्रकार से जो है भगवत मात जो है भागवत मात वहाँ पे ऐसा ही कहा कुछ नहीं है, तद अतिरिक्त न काचित अस्तित्व के संचित ईश्वरवादिनम, मतलब कुछ लोग ईश्वर को अलग, ईश्वर मानने वाले भी अलग अलग है, ईश्वर संबंधित चिंता भी अलग अलग है, इसलिए बोलते हैं के शामचित कुछ लोगों का ईश्वरवादिनम, ईश्वर मानने वालों में कुछ लोग का ऐसा भी मत है, कोई ज्योतिष को मानते हैं, कोई ईश्वर को मानते हैं, कोई कहता है कि ईश्वर और कोई साधन के बिना ही बना लिया, हम कब बोलते हैं कि साधन के बिना बनाना, हम विवर्तवाद को सिद्ध करने के लिए, और उस सृष्टि में पारमार्थिक ध्यान देना, हम भी रज्जु के ऊपर सर्व सृष्टि हुआ वेदांत भी मानते हैं, परंतु विवर्तवाद मतलब रज्जु में पारमार्थिक कोई परिवर्तन न हो सर्व उत्पन्न हुआ ही नहीं कभी, प्रतीति मात्र है, परंतु ये लोग क्या है परमात्मा ईश्वर को परमात्मा को कारण मान करके वो अपने संकल्प से यथार्थ जगत को बनाया ऐसा मानते हैं, ये हमारे सिद्धांत में भिन्नता है, इसलिए हम बोलते हैं कि पहले कभी भी कोई भी कर्मों को करने के लिए पहले हम मन से संकल्प करते हैं फिर उसके बाद बाहर उसको उपादान के माध्यम से बनाते हैं, ये तो व्यवहार में देखा गया था। परंतु तथा भगवत सृष्टि संकल्पना मात्र, भगवान की सृष्टि केवल संकल्प मात्र न तद अतिरिक्त काचित वस्तु से भिन्न कुछ भी नहीं है,
इति के सांचित। इसी प्रकार कुछ लोगों का ईश्वरवादी नाम मतलब ईश्वरवादियों का कुछ ऐसा सिद्धांत ईश्वर को मानने वाले। यहाँ पे आनंद गिरि जी भी इसको संक्षेप में बताएंगे, जो चार पांच प्रक्रिया को देखे आए सृष्टि कैसे हुई ये दिखाने के बाद अब फिर आता है सृष्टि क्यों हुई, क्यों किया भगवान ने सृष्टि को। ये गाना पहले सुनते थे, दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई, तुमने दुनिया को क्यों बनाया, दुख देने के लिए सारा तो दुखी दिखाई पड़ता है, जैसे ऐसा आपकी विभूति को क्या बनिए थोड़ी होता है, दुख संसार को बना दी। तो अब जो है ये दो श्लोक के माध्यम से सृष्टि कैसे हुई उसको दिखाया, अब जो सृष्टि क्यों हुई उसको दिखाना चाहते हैं, उसको लेकर के केवल श्लोक को करेंगे। देखिए टीकाकार देखिए अगला श्लोक के लिए उपदघात दे रहा है, यथा तथा व अस्तु सृष्टि तस्यस्तु किम प्रयोजनमिति अत्र विकल्प द्वयम् आह। तो दो ही विकल्प बोले, अधिक विस्तार नहीं, बाकी आप अपने आप ही चल रहे। ठीक है, जिस किसी भी रूप से सृष्टि हो गया मान लो, यथा तथा व अस्तु, यथा तथा व अस्तु सृष्टि, जिस किसी भी हो गया सृष्टि अपमान लो कोई बात नहीं, ठीक है ना, परंतु इसके प्रयोजन क्या है, भगवान किसके बनाने का प्रयोजन क्या है। अगला तत्व इसलिए बोलते हैं तस्य अस्तु किम प्रयोजनमिति अत्र, उसकी प्रयोजन के इति अत्र विकल्प, इस विषय में दो विकल्पों को यहाँ पे कहते हैं कौन, मांडुक कारिका। ये देखिए ये चीज जो है कारिका कार की, ये चीज ये मूल मंत्र में नहीं है, क्योंकि श्रुति की मंत्रों से ही मांडुक कारिका कार ने अजातवाद को देखा, परंतु जो चीज नहीं कहा उसको कारिका में स्पष्टीकरण देना है। अभी सृष्टि के ये सृष्टि की उपयोगिता क्या है, पहले कैसे हुई और क्यों हुई, कैसे हुई के लिए पांच पद्धति बताए और क्यों हुई उसके लिए दो बोलेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आगे बोलते हैं, भोगार्थम सृष्टि रित्यन्ने, भोगार्थम सृष्टि रित्यन्ने, क्रीडार्थम इति चापरे, क्रीडार्थम इति चापरे, देवस्यैष स्वभावोऽयम्, देवस्यैष स्वभावोऽयम्, आप्तकामस्य कास्पृहा, आप्तकामस्य कास्पृहा, भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये, क्रीडार्थमिति चापरे, देवस्यैष स्वभावोऽयम्, आप्तकामस्य कास्पृहा। कोई कहते हैं कर्म फल भोग के लिए अथवा अपनी खुशी मनाने के लिए भगवान ने सृष्टि बनाया, तो आप बताओ तो पहले कर्म है कि पहले भोग है, पहले कर्म है कि पहले भोग है, भोग कर्म के बिना भोग कहां से होगा, पहले खाएंगे तब तो काम करेंगे, पहले भोग भी हो सकता है, नहीं पहले आप देखो कर्म, कर्म का फल के लिए शरीर, शरीर तो शरीर पहले कि कर्म पहले, कर्म पहले अब तब शरीर के बिना तो कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा तो शरीर नहीं होगा, ये अनन्य अस्तित्व है, ये परमार्थिक नहीं है। ठीक है, एक चीज प्रसंग एक और एक बता दूं, ये काल और स्थान और कार्यकरण भाव, आप एक चीज ऊपर से समझिए इस चीज को, ये प्रसंग से फिर बताऊंगा। कब जब हम देखते हैं एक घटना, एक घटना एक स्थान में एक साथ नहीं हो सकता, किसी एक घटना एक ही स्थान में एक स्थान में एक काल में नहीं हो सकता, दो एक घटना दो बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, यानी कि आपको भिन्न काल कल्पना करना पड़ेगा। पठन पाठन का समय मान लीजिए इतना समय, इस समय यहाँ पे गाना बजाना नहीं हो सकता है, यानी कि एक इस स्थान में पठन पाठन काल में गाना बजाना के लिए दूसरा काल कल्पना, मतलब किसी घटना को घटने के लिए आप जो है जिस स्थान में है उस स्थान में काल की कल्पना की, किसी घटना को घट एक एक स्थान है उस स्थान में लगातार क्रम से घटना होने के लिए आपको काल की कल्पना है। इसी प्रकार एक काल में दो घटना घटना है, इस हाल में एक ही समय सुबह 7-4 बजे का पाठ उस काल में वहां पे हो सकता है, पुलिस लोग सो रहे हैं, तब एक काल में दो घटना दो स्थान की कल्पना की, एक काल और स्थान और नासिक वेदांतिक लॉजिक देखिए, ये जो घटना हम बोल रहे हैं वो घटना क्या है, कार्यकरण भाव, किसी इससे ये हुआ, इस समझ में आ रहा है,
मन को कार्यक्रम में बोला, ये चीज को समझने के लिए आपको बिल्कुल अपने सिद्धांत को पक्का समझना चाहिए। या मैं बोलते हैं कि काल, देश और कार्य कर्म तीनों आत्मा में कल्पित है। कैसे है? क्योंकि ये अनन्य आश्रित है। इस प्रकार यहाँ पे जो है लॉजिक इंटेलेक्ट, तो आप इसको समझ जाएंगे आपको कभी भी सत्तत्व बुद्धि नहीं होगा, कभी भी सत्तत्व बुद्धि नहीं होगा। यहाँ पे ये जो पहले आप सोचिए कि यहाँ पे बोला भोग, मैं कहाँ घूम गया था, भोग भोगार्थम सृष्टि रीति अन्य क्रीडार्थम इति चापरे। कोई कहते हैं भोग के लिए, कोई कहते हैं खेलने के लिए है। ये सब चीज के पहले पूछो भोग कैसे होगा, शरीर पहले कि भोग पहले है? यानी कि शरीर कर्मफल और शरीर अनन्वाश्रित है, इसलिए पारमार्थिक नहीं है, समझाने के लिए बोला गया। खेल की इच्छा कहाँ से? पहले संस्कार, संस्कार पहले कि पहले विषय? भारी विषय है तब ना संस्कार आएगा। यानी कि संस्कार और विषय अनन्वाश्रित, उसके पारमार्थिक जहाँ पे सृष्टि होना मैं व्यवहार को समझाने के लिए इसको मान्यता देते हैं, जन्मांतर के संस्कार शामिल होते हैं। परंतु जब आपको मांडू को कारिका को समझना है तब इस सब में अनन्वाश्रित हो सकते। ये हमारी कथन नहीं है, श्रीहर्ष ने खंडना खंडन खंड में इसको एक एक करके खंड किया कि जो चीज स्वतंत्र सिद्ध हो सकता है वो पारमार्थिक है, जो स्वतंत्र सिद्ध नहीं हो सकता है वो पारमार्थिक नहीं है। ये मुख्य सिद्धांत व्यवहारिक है, ठीक है ना? यहाँ पे बोलते हैं भोगार्थम सृष्टि रीत्यन्य क्रीडार्थम इति चापरे, है ना? भोग, कोई कहता है कि भोग के लिए सृष्टि है, कोई कहता है खेल के लिए सृष्टि हुआ। इस प्रकार से बोलते हैं देवस्येषु स्वभाव एवं, अथवा एक परमात्मा के स्वभाव है खेलना। जैसे राजा लोग का होता है कि किसी जंगल में खेल रही आता है, कभी नारी उसे नृत्य कराता है, ये सब उनके खेल है। परंतु सभी पक्षों का खंडन एक शब्द से कर दिया मार्ग कौन आप्त काम स्वकाश पिहा। पूर्णत्व में इच्छा कहाँ से होगी? तब इच्छा की पूर्णता शुद्ध नहीं होगी। आप तो काम स्वकाश पे पूर्ण काम पूर्ण है वो, उसमें किस लिए सृष्टि करने की इच्छा होगी? इसलिए सृष्टि हुई नहीं, अथर्व प्रक्रिया मान्यता देकर के सृष्टि करते हैं। समझाने के लिए हम मान्यता देते हैं, पर आप तो कई सारा पक्ष खंडन हो जाता है एक शब्द हो जाए। आप तो काम से काश किया, पूर्ण का मतलब जो पूर्ण व्यक्ति है उसके अंदर फिर इच्छा किस पर की, इसलिए होना शब्द समय हो गया। नहीं पे रखते हैं आज कहाँ पे करेंगे उसका सेकेंड, आज जो है अंतिम का सेकेंड वाला होगा, है ना? प्रज्ञा वैशाख वेद सुहित जलनिधे वेदनामनन्तरस्थं भूतारणालोक्यमग्नान्यविरत जननग्रामघोरे समुद्रे कारुण्यादुग्धहारममृतमिदं मारै दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमं गुरुम् पाद पाटे नमस्ते।